हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ इन्फिनिक्स का नोट 30 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो इन्फिनिक्स के नोट 30 5G को 14,499 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F23 5G को 15,999 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1,500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 1,500 रुपीज ज्यादा खर्च करके सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को लेना सही रहेगा, फिर 1,500 रुपीज कम खर्च करके इन्फिनिक्स के नोट 30 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, क्योंकि इन्फिनिक्स के नोट 30 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो 3,94,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 2,98,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो अंतु स्कोर के हिसाब से कैलविना निकल के आता है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, पर इन दोनों स्मार्टफोन का जो GFX स्कोर निकल के आता है वो बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G जिसका अंतु स्कोर काफी कम निकल के आता है, उसका जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 30 5G जिसका अंतु स्कोर काफी ज्यादा निकल के आता है, उसका जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,300 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, अंतु स्कोर में तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर रियल लाइफ में इन दोनों स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी इन्फिनिक्स नोट 30 5G के डिस्प्ले में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। 6.78 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस पांच चोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में 6.6 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप लोगों को गैलेक्सी के F23 5G में लो एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में पांच चोल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर आप लोगों को इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, क्योंकि इन्फिनिक्स के नोट 30 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.75 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+0.08 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F23 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती वो इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में काफी बेटर निकल के आती, काफी अच्छे कलर आप लोगों को इन्फिनिक्स के नोट 30 5G के कैमरे से देखने को मिल जाते हैं। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी सेल्फी के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, क्योंकि इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F23 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर मैं कहूँ तो कम से कम प्राइस में आप लोगों को इन्फिनिक्स के नोट 30 5G के फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F23 5G में भी 5000
mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। गैलेक्सी के F23 5G का प्राइस ज्यादा, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर डिस्प्ले और कैमरे के मामले में तो इन्फिनिक्स के नोट 30 5G से पीछे रह जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस लगभग दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1500 रुपीज कम खर्च करके इन्फिनिक्स के नोट 30 5G को ही बाई करें।